Hello students, good morning students. Today we are going to discuss about surface chemistry. So what is surface chemistry? It is a branch of chemistry which deals with the nature of the surface and the species present on it is known as surface chemistry. तो कहते हैं surface chemistry क्या है? एक branch है chemistry की जो आपके deals करते हैं किसके साथ में? Surface के साथ and जो surface पे जो भी species present होती है उनके साथ. अब दूसरे इसमें आता है absorption. Absorption क्या होता है? ये कहते हैं when the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of other substance is known as absorption. ये कहता है कि आपका एक substance अगर uniformly distribute होता है with the other substance की body के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं absorption. ये क्या होती है? आपकी एक bulk phenomena होता है. मतलब इसमें completely absorption होता है एक substance का दूसरे substance के ऊपर. Third कहता है कि neither exothermic nor endothermic. That means जो absorption phenomena है आपका, ना तो उसमें energy का release होता है और ना ही उसमें energy का gain होता है. Absorption को समझने के लिए हम एक बहुत ही सुंदर example लेके चलते हैं. इसमें we take an example of tea and biscuits. Suppose कीजिए मेरे पास एक cup of tea है, इसमें क्या fill up है मेरे पास? Tea. और मैंने क्या किया, इसमें एक biscuit को dip किया. अब मैं जितना इसमें बिस्किट को डिप करती हूँ, ये जो चाय है ये यूनिफॉर्मली इस बिस्किट को क्या कर लेती है, ये इस बिस्किट के अंदर ये चाय यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है? अब्जॉर्ब. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा फिनोमना होता है? अब्जॉर्प्शन फिनोमना. लेट अस सिमिलियर टू दिस एग्जाम्पल वी टेक एन अनदर एग्जाम्पल वॉटर एंड फोम. फोम ऑल्सो नोन एज स्पंज. आपने देखा होगा जो घर में बेड के गद्दे होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है फोम. तो हम जैसे इस फोम को वॉटर में डिप करते हैं, जब आप कुछ समय बाद देखते हो तो ये वॉटर यूनिफॉर्मली इस फोम के ऊपर वॉटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसका मतलब ये क्या है? एक अब्जॉर्प्शन फिनोमिना. अब अगर इसमें रेट की बात की जाए तो इसका जो रेट होता है अब्जॉर्प्शन का वो भी यूनिफॉर्म होता है. इसका मतलब ये है कि अगर अपन कहीं से भी इसमें देख हैं वाटर, तो आपको सेम रेट से हर कहीं वाटर प्रेजेंट मिलेगा. सो इसका जो रेट होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म. सेकंड वन इज योर एडजॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन इज आल्सो ए फिनोमेना लाइक टू अब्जॉर्प्शन, बट देयर इज ए माइनर डिफरेंस इज दैट इट इज अ आल्सो अ फिनोमेना बाय व्हिच द सब्सटेंस आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन. ये कहता है कि एडजॉर्प्शन भी अब्जॉर्प्शन की तरह ही एक फिनोमेना होता है जिसमें एक सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी अदर सब्सटेंस पे, बट इसमें माइनर डिफरेंस इज दैट कि इसमें नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि वहां पर क्या होता था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट इज अ सरफेस फिनोमिना और वहां क्या होता था? बल्क फिनोमिना. थर्ड, अगर इसके रेट की बात की जाए तो इसका रेट कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्मली. अब ये सरफेस फिनोमिना कैसे होता है, इसमें नॉन यूनिफॉर्मली रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन कैसा होता है, वो हम समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चौक एंड ब्लैक बोर्ड. सपोज ये हमारा क्या है? एक ब्लैक बोर्ड. इस पर सपोज करो ये मेरे पास एक चौक है, इस पर मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखती हूँ लाइक ए बी सी डी. तो अब ये जो मेरे अल्फाबेट्स हैं ये किसके ऊपर हैं? ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे. इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑल द सरफेस, सिर्फ ये किसके ऊपर होंगे? इस सरफेस के ऊपर. तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया किसका? एडजॉर्प्शन का. अब जिस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन में दो टर्म्स होते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सिमिलरली यहाँ पे भी दो टर्म होती है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट. नाउ वी डिस्कस अबाउट एडजॉर्बेट. जैसे कि हमने यहाँ देखा सिमिलरली हम इस एग्जाम्पल को ही देखते हैं, यहाँ पे क्या था?